आपका नाम आयताराम मंडावी जी जी। जैसे कि हाँ, जैसे गांव वालों ने बताया कि ये जो मंदिर बन रहा है इसमें आपका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, और शासन के द्वारा पूर्व में कुछ सहयोग मिला था जो नहीं मिल पाया, इसी संबंध में कुछ जानकारी चाह रहा था मैं। अभी हम लोग का 12 पलिकू का 37 पारा में एक पंचायत था जी, अभी उसमें से हमारा 5 पंचायत हुआ है जी, अलग अलग जी, 5 पंचायत अलग हुआ है। उस समय पहले 2014 के आसपास मैंने 2013 को शासन प्रशासन से सांसद फंड से 50,000 रुपया मिला था जी, उस पैसा को भी लोग गफला कर दिए, सचिव सरपंच लोग मिल के खा दिए, मंदिर का पैसा नहीं मिला जी। तो वहाँ से हम लोग सपना देखते देखते आज तक, आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, इस साल बनाएंगे, उस साल बनाएंगे, बोलते 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 अभी तक ऐसी है जी। अब सरकार प्रशासन के पास हम कई बार लिख के दे रहे हैं, उसके बावजूद भी पास नहीं हो रहे हैं, कई फंड से नहीं आ रहे, बोल के पहले का मंदिर वो काल पलंगा है जी। अभी गांव ग्रामीण का सोच है कि कैसे भी करके, हम घर में रहते हैं तो माता को ऐसा जगह नहीं रखना चाहिए, कतपुड़िया जैसा माता को रखे हैं, बूढ़ी माता है बोल के हम लोग सोचे और अभी विचार किए, गांव ग्रामीण से सलाह लिया हूँ कि गांव ग्रामीण भी मेरे को पूछे कि आपका सहयोगी क्या रहेगा, कैसा रहेगा बोलने से, मैं बोला मेरे से जो कितना जो सहयोगी है भगवान ऊपर वाला जो देगा वो पूरा मैं करूँगा, आप लोगों का काम सही है बोलने से गाँव वाले भी साथ दिए, हर घर से 5,000 रुपये चंदा कर रहे हैं, आप 2,000 रुपये चंदा कर रहे हैं, और मेरे से कितना होगा उतना 2-3-4 लाख रुपये तो लग चुका है जी। जो भी से 7 लाख रुपये लगेगा उसको भी हम प्रयास करेंगे और मंदिर हम बनाएंगे, बल्कि प्रयास कर रहे हैं, कोशिश जारी रहेगा, और जैसा बन जाएगा और बनते बनते अगर कमज़ोर हो जाएगा तो शासन प्रशासन के पास कागज उगे लिख के फिर जाके देखेंगे क्या बोलेंगे कैसे। अच्छा, अभी आप लोगों ने शासन से कोई मांग नहीं किया गुड़ी के लिए? तो कई योजनाएं हैं गुड़ी के लिए, मैं 2-3 बार लिख के दिए थे, पहले कलेक्टर था सुकमा जिला, जैसे हम शामिल हो गए उस समय मैं लिख के दिया जी, तो नहीं होने के कारण। मैं तो दस